अनीता मिसेस पिवाल। अच्छा मैडम, आप जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कारण है आपका धरना प्रदर्शन करने का? सर हमारा कारण ये है, एक तो हमारी मांग डिमांड जो सबसे बड़ा हम जिस पर फोकस डाल रहे हैं कि हमारे 3 साल हो गए हमारे शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी थे उनकी पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्टरी करा दी गई, लेकिन इस निकम में कमिश्नर ने वो ऑर्डर रोक दिए, हमारे 70-80 लोग रोक दिए। उसके बाद हमने मीटिंग करी, बात भी करी, इसने हमसे कोई बात नहीं करी और इसने मना कर दी कि हम अभी पक्के नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूँगी कमिश्नर साहब, अगर आप पक्के नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप सैलरी घटाने का हक भी नहीं रखते। लालत है इस कुर्सी पे बैठने की उनकी, मैं कहती हूँ वो खाते नहीं है उनकी इस कुर्सी पे बैठने की। अगर वो गरीबों का हक छीनते हैं तो वो इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। और मोदी जी को बताना चाहूँगी, मोदी जी सफाई अभियान चला रहे हैं, सफाई अभियान कौन करता है? सफाई कर्मचारी, ना कि मोदी के ये चमचे जो बैठे कुर्सियों पे, ना कि वो चलाते हैं। डांटे बांध बांध के टीचरों के, हमारे स्कूल के बच्चों का शोषण कर रहा है वो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कैसे पढ़ाए? हमारा शोषण तो हमारा खुद जो नेता है देश का वही कर रहा है। स्कूल के बच्चों से सफाई करवाओ, अब स्कूल के बच्चे अगर सफाई करेंगे तो पढ़ेगा कौन? पढ़ने के लिए तुम आ जाओ, तो स्कूल खोले क्यों है? स्कूल बंद कर दो, तो ये तुम सफाई बच्चों से ही कराओगे तो हमारे सफाई कर्मचारियों की सैलरी क्यों काटी तुमने? और सैलरी काटी, हमारे कर्मचारी कह रहे हैं कि अब अगर हमारे 10 दिन के पैसे भी काट दिए जाते हैं तो हमने दान में दे दिए। मैं कहती हूँ केजरीवाल जी, अगर आपके चंद्र से भाई साहब मेरा ये मेरी ये बातें अगर कहीं मोदी तक जाती है तो मैं ये कहना चाहूँगी, मोदी साहब आप 10 दिन के 20 दिन के नहीं, और कमिश्नर को विशेष तौर पे ये बात कह रही हूँ, कान खोल कर सुन लो कमिश्नर साहब, अगर आप सुन रहे हो, और मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार, 10-10 दिन के पैसे नहीं, आप पूरी 1-1 महीने की सैलरी काटो और अपना पेट भरो, क्योंकि तुम भूखे नंगे हो और भूखे नंगे रहोगे। गरीब का पेट काट कर जो अपना घर भर रहे हो ना, तुम बिल्कुल नालायक बड़ी जिंदगी है तुम लोगों की। तुम कुर्सी पे बैठने के लायक क्या, बात करने के लायक नहीं है। आज कमिश्नर साहब आए और बात करके कहते हैं कि जाओ काम करो, एक ही मोटिव रह गया उनके पास, जाइए काम करिए। क्यों? अबे तुम्हें वो गंदगी नजर आ रही है गलियों की, बच्चे बीमार आएंगे वो नजर आ रहे हैं, हमारे बच्चे नजर नहीं आते, हम बीमार नहीं होते, हम उस गंदगी से डेली यूजते हैं, हाथ डाल डाल के नालियों में से हमारे भाई गंद निकालते हैं, लैट्रिनों में हाथ जाते हैं, तो क्या वो गंदगी नहीं होती? हम लोग बीमार नहीं होते? कैशलेस कार्ड दो ना, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो कैशलेस कार्ड दो। पक्का तुम नहीं कर सकते, सैलरी तुम काट रहे हो तो तुम कर क्या रहे हो? तुम खाली अपना पेट भर रहे हो, अपना घर भर रहे हो, वैसे तुम सफाई अभियान चला दो, थूक तुम ऐसा सफाई अभियान पे जो किसी कर्मचारी का और किसी गरीब का पेट काट के अपना घर भरता हो। मैं ऐसी अपनी जो भी मेरे देश का नेता बैठा हुआ है, मैं ऐसी सरकार को नहीं मानती, और मैं क्या कोई भी मानती, धिक्कार है उनकी कुर्सी पे बैठने का। मोदी जी आने वाले चुनाव में आपका आना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी वाल्मीकि समाज है आपको तो वोट बिल्कुल भी नहीं देगा, चाहे वोट देना ना मंजूर हो वो घर में बैठेगा, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सबसे पहले तो केदार आप हो। जिस दिन से कुर्सी पे बैठो आपने शोषण किया है, शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। हम दूसरे लोगों को क्या कहे कि पंडित शोषण करते, ये करते रहे, नहीं, तुम तो खुद पंडित से बड़े निकल गए। हमारे बच्चों का शोषण तुमने कर लिया, हमारा शोषण तुमने कर लिया, तो तुम लायक हो कुर्सी पे बैठने के लिए? कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हो।